अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का एक नया दिन, नई सुबह, और हम आ गए हैं एक नई जगह जो के है खुरफे खान। तो सभी लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना जाऊं, यहां पर वीडियो बना लूं। बहुत ही अच्छा स्पॉट है, हर कोई टूरिस्टर यहां पर आ रहा है, इवन जो रेजिडेंट्स हैं वो भी यहां पर वीकेंड्स मनाने आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है। तो यहां पर 5 टनल्स में से एक टनल में हमने ड्राइव ले ली है। फाउंटेन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, और यहाँ का व्यू देखिए, अमेजिंग सनसेट पॉइंट, बहुत ही अच्छा है व्यू। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर फोर्ट बताती हूँ। ये फोर्ट शायद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले पोर्चुगीज लोग रहते थे, एम्पायर था उनका, पता नहीं एग्जैक्टली यही है या नहीं। ये तो बोरवेल, क्या बोलते हैं, वेल है जहाँ से पानी पहले के ज़माने में लिया जाता था, और इसके बिल्कुल अपोजिट में मस्जिद है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, शायद 400-500 साल पुरानी है। ये मस्जिद के सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इसके सारे डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, इसको पॉज कर अगर आपको पढ़ना है तो, या नहीं तो और आगे बढ़ना है तो यहाँ से देखिए। दूर का मस्जिद का व्यू बहुत ही प्यारा सा है, और देखिए जूम करके बताती हूँ। और इसी के साथ आगे चलते चलते मुझे ये पहाड़ें वगैरह, माउंटेन्स नज़र आ गई। ये माउंटेन्स की भी कुछ स्टोरी है, ये भी बहुत सपोर्ट करता है हवा की रुख को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी पोर्ट है, वहाँ पे शिप्स को, शिपमेंट्स को कार्गो लोडिंग अनलोडिंग के लिए शायद ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये डायरेक्ट अरेबियन सी की तरफ होता है। हत्ता और शारजा के दरमियान की रोड पर ये है, और नियरली हमको 1 आवर लगा यहाँ पर रीच करने के लिए हमारे घर से, क्योंकि हम तो रहते हैं ये शारजा में। ट्रैफिक सिग्नल सब मिलाकर हम 1 आवर के अंदर यहाँ पर रीच कर दिए हैं। यहाँ पे देखें माउंटेन्स के साथ में पानी का नज़ारा, बहुत सुपर। यहाँ पर शिप भी अलाव है, शिप्स भी यहाँ पर हेड 150 ड्रम 160 ड्रम ऐसा चार्ज कर रहे हैं ये लोग टिकट्स यहाँ पर बोटिंग करने के लिए। और यहाँ पर जूम करके मैं आपको बताती हूँ, फिशेस आप देख सकते हैं। अरहम बोल रहा था कि मॉम लेकर जाकर एक्वेरियम में रखेंगे, बट यहाँ पर रूल ऐसा नहीं है, UAE गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ममनू है, ममनू मीन्स रेस्ट्रिक्शन है कि हम कोई भी चीज़ को नहीं ले सकते हैं। और मैं आपको और जूम करूँगी तो शायद कोरल भी नज़र आएगी। यहाँ पर बहुत सारी नेचर अट्रैक्शन की प्लेस है, ये हर किसी को आना चाहिए, बहुत ही सुकून मिला यहाँ पर आने के बाद। हमने तो शायद वीडियो के बाद इतनी देर एंजॉय किया, वीडियो रख के नहीं, थोड़ा हमारा फैमिली टाइम स्पेस टाइम स्पेंड करेंगे। ये देखिए माउंटेन बहुत ही अच्छा है। वापसी में मैं आपको रिटर्न में जाते हुए यहाँ से बताऊँगी कि इस साइड पर कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। ये तो UAE का है ही कि कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस करते रहते हैं, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जितना अच्छा है उसे और बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। और अब हम टनल से एग्ज़िट मारते हैं, जाते जाते मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ से बताऊँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो एंड तक वॉच करिए, हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर भी फाउंटेन्स और ये झाड़ों के व्यू देखिए बहुत ही अच्छा है। असल तो यहाँ पर ओमान का बॉर्डर भी टच होता है, हत्ता ओमान, ऑलमोस्ट ओमान की साइड ही हो गया, तो उसी तरफ का है ये। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा व्यू है, मुझे तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और हो गया था नेक्स्ट डे, हमें जाना था कहीं ना कहीं, वीकेंड है, और उसके अलावा हमारा पार्सल आ रहा था इंडिया से, जो कि हमें कलेक्शन करने जाना था किसी के यहाँ पर। तो अब हम निकल गए हैं, थोड़ा सा होते हुए जाएंगे यहाँ की, देखिए आप शारजा दुबई की म्यूनसिपालिटी, सॉरी। तो ये देखिए पैलेस टाइप है, यहाँ की म्यूनसिपालिटी भी इतनी बड़ी है, ये साइड से वो साइड बहुत ही बड़ी है, और शाम में बहुत ही अच्छी लगती है। और हम आ गए थे दूसरी जगह जो कि है शाइन आउटलेट, शायद जो भी यहाँ पर है अजमान एरिया में, शारजा एरिया में या दुबई एरिया में, उनको पता होगा ऑलमोस्ट ये बहुत ट्रेंड पे चल रहा है अभी, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट है समझिए लेडीज़ का स्पेशली। तो हम यहाँ पर आ गए थे, और मैं इसका रिव्यू तो आपको दूंगी, पहले हम एंट्री कर चुके हैं, अब देखते रहिए 1 by 1 कैसा क्या क्या है क्या है। मुझे भी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर एंट्री की हूँ, आप लोग देखिए। और इस साइड है सारी कॉस्मेटिक्स की भरपूर बारिश, और स्टार्टिंग में ही मेबेलिन का प्रोडक्ट है, मुझे मेबेलिन का बहुत ही अच्छा लगता है, और सेट भी करता है, सूट भी होता है, ऐसा कुछ एलर्जी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं होते हैं स्किन पे, ये वाला सुपर है। और यहाँ पर थोड़े फूड पेड्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ से ले लो। और ये साइड देखिए, ये पूरा रो पूरा फूड पेड्स ही है, और यहाँ पर है नेल्स, मुझे तो नेल्स बहुत पसंद आते हैं, और ये पूरा रो है आपको हैंडबैग्स का मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर मेबेलिन की लिपस्टिक पसंद आ गई, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही प्यारे से पर्स क्लचेस हैंडबैग्स मिनी बैग बहुत सारी चीज़ें डेली वेयर ऑफिस वेयर, ये मुझे अलग ही कलर लगा। अब जिसको जिसको पसंद नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे तो नहीं आया एग्जैक्टली।
और ये वाला बहुत ही प्यारा सा कलर है, मैंने ये ले लिया है। और यहाँ पर मुझे बूट्स भी पसंद आए, बट मैं पहनती नहीं हूँ और मुझे बस देखना पसंद आया। यहाँ पर बूट्स बहुत ही अच्छे थे, यूनिक वैरायटी थे। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो भी आ रहे थे ऐसे सीरियन जॉर्डन ऐसे लोग ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, नॉर्मल जो है ना ईरानी वगैरह वो लोग यहाँ से काफ़ी ब्राउन वाली ले लो ना, कौन सी अच्छी। यहाँ पर मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद आए, चॉकलेटी वाली। और यहाँ आ गए थे हम, यहाँ आए और आयत की चीज़ें ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर आ गए। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि आयत के लिए भी कुछ ले लो, तो मैं आ गई थी उसके लिए, हेयर क्लिप्स और हेयर बैंड्स के लिए मैं लेने आती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को कुछ आयत के लिए पसंद आ गया, तो उनकी पसंद से ले रहे हैं और थोड़े मैं मेरी अपनी पसंद से लूँगी बच्ची को। यहाँ पर मैं एक फुटवेयर बता रही थी कि अरहम के लिए, बट अरहम को पसंद नहीं आया। और यहाँ पर है ट्रॉली बैग्स, ये भी बहुत अच्छे हैं, मैंने तो क्वालिटी भी चेक की है, ये वाले बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही है यहाँ। और यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल ट्राई कर रही थी, आप देख सकते हैं ब्राउन शेड बहुत ही अच्छे है, क्रेन टाइप है। और बाकी का मस्करा वगैरह मैंने देखा है ड्राई हो गया था, वो थोड़े चीज़ें थोड़े हैं, थोड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़े हैं जो पसंद आए, तो मैंने जो पसंद आए वो यहाँ पर ले लिए हैं। और इसके बाद मुझे जाना था थोड़ी घर की शॉपिंग के लिए, उसके बाद जो हमारा इंडिया से पार्सल आया ना वो बंदे ने हमें टाइम दिया था, तो जब तक हम इधर उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। और हम आ गए थे ग्रैंड मॉल, यहाँ पर देखिए कुछ लकी ड्रॉ वगैरह चल रहा है, फोर कार्स यहाँ पर, कुछ फोर या थ्री जो भी है आप देख सकते हैं, तो लकी ड्रॉ में उठने वाले हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो गया है। बट किस्मत जिसको लगे लगे, नहीं लगे मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं है। और मैं यहाँ आ गई थी कुछ डिनर के लिए लेने के लिए, क्योंकि घर जाकर बनाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, मुझे बहुत ही टायर्ड हो गई थी गाड़ी में बैठ कर। और यहाँ पर हमने कुछ ग्रिल चिकन वगैरह थोड़ा सा यहाँ से ले लिया है, और अब हम आगे निकल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को चलते चलते कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। देखिए ये बता रहे थे ऑयल वगैरह लेना है क्या, तो मैं बता रही थी नहीं ऑलरेडी घर में है तो ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर फ़िश वगैरह ले रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि ये लोग मैरिनेट करके फ्राई कर भी देते हैं, अगर हमको पसंद आ गया तो हमने ऑर्डर दे दिया तो वो लोग हमको फ्राई कर भी देते हैं। बट मैं फ्रेश ही ली, घर जाकर मैं बना लूँगी, घर मीन्स सेम डे नहीं नेक्स्ट डे उसके बाद का डे ऐसा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद हम निकल रहे थे बाहर की साइड, और यहाँ पर लिखा हुआ था थैंक यू विजिट अगेन, तो इंशाल्लाह आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीकेंड पर कुछ लेना है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बिलिंग करवा रहे थे, तो मैं अरहम से पूछ रही थी चलो अरहम जल्दी हमें पार्सल लेने जाना है, वहाँ से कॉल्स आ रहे हैं। तो जाते जाते मुझे ये देखिए मसाजर मिल गया, क्योंकि मुझे मसाजर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है यहाँ के फार्मेसी स्टोर का, तो आप देख सकते हैं लाइफ फार्मेसी, और उन्होंने बोला था कि 1 ईयर की वारंटी है, तो मैं अरहम को चेक करके बता रही थी अरहम कैसा वर्क कर रहा है, तो अरहम बोल रहा था अच्छा, बट वो तो बच्चा है उसको पता नहीं होगा एग्जैक्टली, हमें ट्राई करके देखना होगा। तो बोली तुम विनर है इस गाड़ी के, बोले तो अरहम स्माइल करके बोल रहा था नहीं मॉम अभी टाइम है इसका, तो शायद 2-3 मंथ्स शायद बचा होगा, पता नहीं कौन जीतेगा किसकी किस्मत में एग्जैक्टली है भी या नहीं भी, टोटली हमें कुछ नहीं पता है। बट हम आगे चलते हैं, चलिए वो सबको छोड़िए, ये देखिए शिप राउंड अबाउट जो कि है शारजा में। तो अब हम जाते जाते यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल आया तो हम यहाँ पर रुक गए थे, तो अरहम जूम करके वीडियो ले रहा था, वो ट्राई कर रहा था अपनी। तो यहाँ पर अब हम वेटिंग कर रहे हैं, हमारा पार्सल लाकर बंदा देगा, और हमारा पार्सल आ गया। देखिए आते ही हमने वेट भी नहीं किया, इंडिया की इतनी याद आ रही थी, हमने सारे पार्सल में से निकाल कर थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा खाया, उस्मानिया बिस्किट को छोड़कर, क्योंकि उस्मानिया बिस्किट हमें सिर्फ चाय के साथ ही पसंद है। तो हमने इसको एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे बॉक्सेस ओपन कर दिए। ये है फ्रूट बिस्किट कराची का, बहुत ही फेमस है कराची बेकरी हैदराबाद में, तो शायद ही बहुत सारे लोगों को पता होगा। नमक पारे आयत के लिए आए हुए हैं नानी की तरफ से, तो मैं बोल रही थी आपके ससुराल से आ गया पार्सल फाइनली इंडिया से, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे हाँ इस बार आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और ऑर्डर कर कुछ और बताएंगे कि कोई आते वक्त बताएंगे कि ये सामान जो भी हमें पसंद आता है इंडिया का खाने पीने का, तो नेक्स्ट टाइम वो मंगवा लेंगे, तो कौन आ रहा है कौन नहीं, तो ऐसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से अपडेट में रहेंगे। और यहाँ पर ये हलवा भी है आप देख सकते हैं, और ये पार्सल हमारा साइड में अब रख के हमको निकलना है आगे की तरफ, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे सब में से ट्राई हो गया कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो अब सीधा जाते हैं घर की तरफ जाकर इंशाल्लाह आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँगी। और स्पेशली मेरे आपको कॉस्मेटिक्स बताना है मैंने क्या लिए थे, मैंने 2 लिपस्टिक्स लिए थे वहाँ से, और लिया था एक कंसीलर, और बाकी का
शेड्स वगैरह भी उन्होंने बताया था, बट मेरे पास एग्जैक्टली उतना टाइम नहीं था क्योंकि पार्सल कलेक्शन के लिए मुझे लेट हो रहा था। तो हम जितना टाइम था हम उतना टाइम यहाँ पर स्पेंड किए। अब ऑन दी वे हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आपको मैं बता दूं कि मेरा व्लॉग नेक्स्ट जल्दी आएगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।